हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत 10 दिन से बहुत ही ख़राब थी। सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब हो रखा था और गला तो पूरा बैठ गया था और आवाज़ निकल नहीं रही थी और खांसी तो एक एक मिनट पे खांसी आ रही थी, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी आज कुछ ठीक लग रहा है, आज है 24 दिसंबर, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अभी हो रही है कुछ नाश्ते में डिफरेंट बनाने की तैयारी, जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज रखा है। तो मैं जा रही हूँ पाव भाजी बनाने, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे कुछ टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा थोड़ा सही लग रहा है तो कुछ अच्छा बनाते हैं जो जीभ को भी कुछ अच्छा लगे। और टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा था मुझे। वैसे तो कोविड अब फिर से स्टार्ट हो गया है, बट मुझे कोविड नहीं था, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम था, बट बहुत लंबे दिनों तक था, बहुत 10-12 दिन तक पूरा मैं झेल गई थी। और फर्स्ट टाइम मुझे इतना हैवी हुआ था सर्दी खांसी जुकाम, इसके पहले कभी इतना दिन तक नहीं रहा है। तो चेहरा वेरा सब उतर गया था, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था, टेस्ट भी नहीं आ रहा था किसी चीज़ में। तो खांसी के आगे तो जो भी खा रहे थे मुझे उल्टी हो जा रही थी। तो फिर आज थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई कर लेते हैं कुछ अच्छा। और तो आज बन रहा है पाव भाजी और शाम के टाइम है, तो डिनर का भी यही हो जाएगा, डिनर के लिए अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोविड फिर से आ रहा है तो आप लोग बहुत सावधान रखिएगा, क्योंकि ये वेरिएंट तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बच्चों पर ज़्यादा घातक हो रहा है ये, तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और हर साल आता ही रहता है, पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, परेशान करके रख दिया। जब भी कुछ अच्छा टाइम आता है, शादी के टाइम आता है और लगन स्टार्ट होता है, तभी ये स्टार्ट हो जाता है। और मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है, एनिवर्सरी के टाइम ना फैले, बस सही डर लग रहा है। क्योंकि शादी के टाइम पिछली बार भी आ गया था कोविड, तो फिर उतने अच्छे से ज़्यादा लोग को बुला नहीं पाए, और फिर एनिवर्सरी आने वाली है तो भी यही हाल ही लग रहा है, इस बार भी यही होगा। तो पाव भाजी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज कट कर लिया था, दो लोग के लिए बनाना था, तो फिर एक प्याज काफ़ी था बड़े साइज़ का, और टमाटर तो ज़्यादा ही पड़ता है, उसमें ग्रेवी बनाना रहता है, तो टमाटर मैंने दो ले लिया था बड़े साइज़ के, और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने कुछ सब्जियाँ, जो हरी सब्जियाँ जैसे गोभी हो गया, आलू हो गया, और जो भी आपके घर हो गाजर हो, उसको पहले मैंने रख दिया था हल्के पानी में डाल के बॉयल होने के लिए, क्योंकि बाद में जो बॉयल हो जाता है तो फिर सारे सब्जियों में उसी को डालते हैं मैश करके। तो सब्जियाँ उबल गई हैं और अब हम कढ़ाई में एक बटर डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल, उसके बाद प्याज को भून लेते हैं। एंड प्याज को भूनने के बाद पहले शिमला मिर्च डालना था, बस गलती से मैंने टमाटर डाल दिया, तो कोई नहीं, टमाटर डालने के बाद में शिमला मिर्च डाल देंगे और उसके बाद हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाए। और इसके बाद सारा जो मतलब पाव भाजी मसाला डाल देंगे, हल्दी और नमक, बस इतना ही पड़ता है इसमें। उसके बाद जो सारी सब्जियाँ मैंने उबाल के रखी थी उसको डाल दिया, बस बन गया, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है।
लास्ट में इसमें हम बटर और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे तो और टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। और फिर पाव को बटर में और धनिया पत्ती डाल के सेक लेंगे और इसको गर्म गर्म ही सर्व करो तभी अच्छा लगता है। तो अब बन के रेडी हो गई है मेरी पाव भाजी। और सबसे पहले पतिदेव को देते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। एंड खा पी के सो गए थे हम लोग। और उसके बाद ये जो व्लॉग है नेक्स्ट डे का है, इसमें हम रात में थोड़ी भाजी बची थी तो मैंने इसको गर्म कर दिया बटर डाल के और पाव को सेक दिया, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। तो ये है 25 दिसंबर का वीडियो। तो ब्रेकफास्ट में खा के हम लोग मतलब लंच नहीं बना था क्योंकि हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का। तो काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो हम बहुत दिन से कहीं गए नहीं थे। तो हमारे हम दोनों का प्लान था कि चलो आज चलते हैं कहीं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। संडे भी था और क्रिसमस भी था तो ऐसे प्लान बन गया फिर हम लोग का। काफ़ी दिनों बाद घर से निकली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का माहौल देख देख के। मैं एंजॉय कर रही थी गाड़ी में बैठ के। और मुझे आदत नहीं है ज़्यादा घर में रहने की, तो क्योंकि हमेशा होता है कि हम लोग 3-4 दिन पे कुछ ना कुछ खाने निकल ही देते हैं, बट इस बार बहुत ही लंबा गैप हो गया था। ये तो कह ही रहे थे चलो तो कोई मूवी दिखा के आते हैं, कुछ खिला पिला के आते हैं क्योंकि, बट मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ टेस्ट ही नहीं आता है मुझे खाने में। 10 दिन से कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा क्या करूँगी जाके जब कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज काफ़ी दिन बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत 10 दिन से बहुत ही ख़राब थी और गला पूरा जाम था, सर्दी जुकाम बुखार सब हो रखा था। तो फाइनली आज दिन भी अच्छा था, संडे भी था और क्रिसमस भी था। तो आज हम लोग घूमने निकले हैं और कुछ खा पी के ही घर जाएंगे वापस क्योंकि 10 दिन से तो मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा था, तो खाना भी ढंग का मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ भी बनाओ। और चेहरा भी तो उतर ही है, आप लोग देख ही रहे होंगे 10 दिन में क्या हाल हो गया है मेरा। तो आज चलते हैं कुछ अच्छा खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मिलते हैं होटल पे। और ये मेरे स्मार्ट हस्बैंड जी जो हमेशा मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। क्रिसमस की वजह से मार्केट पे इतनी भीड़ थी कि पार्किंग की जगह भी नहीं मिल रही थी। और हम लोग आए हैं सीपी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, तो मैं गाड़ी से उतर गई थी और ये गाड़ी पार्क कर रहे थे और कई जगह नहीं मिल रही थी तो फाइनली एक जगह मिल गई थी। तो यहाँ पे ये गाड़ी पार्क कर रहे थे और मैं गाड़ी से उतर गई थी।
अलग अवेलेबल है। तो अभी हम आए हैं बारबेक्यू नेशन और फर्स्ट टाइम में आई हूँ और मुझे सोच रही थी आने का बट प्लान नहीं हो पा रहा था और प्लान था तो कैंसिल हो जा रहा था। तो आज यहाँ पे टेस्ट करते हैं, बस सुना है यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टर देते हैं, तो स्टार्टर जो है वो एक 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 करके आता रहता है, आप एक एक चीज़ खा के ख़त्म करिए और नेक्स्ट तुरंत आ जाता है जब गर्म गर्म ही सर्व करते हैं यहाँ पे। और यहाँ का स्टार्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ड्रिंक में हम लोग ने ओरियो शेक मंगाया था और इन्होंने मंगाया था स्ट्रॉबेरी शेक, तो ड्रिंक भी बहुत ही हैवी था, ड्रिंक पी के ही हमारा आधा से ज़्यादा पेट भर गया था। और गोलगप्पे भी थे और जो मेन कोर्स था उसमें भी बहुत से आइटम थे, जैसे चाउमिन था और दो तरह के राइस थे, पुलाव और तहरी टाइप का था एक, और सब्जी में भी कई आइटम थे, तीन चार आइटम थे, और उसके बाद से सूप भी था। तो और स्वीट्स में भी बहुत सारे आइटम थे जो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो पेट तो भर गया था खा के ही, और बहुत सी चीज़ें तो वेस्ट हो जाती है मुझे लगता है यहाँ पे लोगों की, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना कौन खा पाता होगा, और थोड़ा थोड़ा करके इतना आइटम हो जाता है कि खाई नहीं मिलता है। तो मैं तो मतलब हम लोग लंच नहीं किए थे तो भी हम लोग का मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना वेस्ट हो गया था और खा नहीं पाए थे, बहुत सी चीज़ें नहीं टेस्ट कर पाए थे हम लोग। तो फिर भी मतलब सब कुछ ठीक था, मुझे अच्छा लगा, बट उनका मेन कोर्स जो है उसका मतलब स्वाद मुझे लगा थोड़ा बेटर कर सकते हैं वो लोग। लास्ट मिनट स्वीट्स लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और पेट बहुत ही फुल हो गया था, आप देख ही सकते हैं खाना देख के। और ये बाहर का नज़ारा है और बाहर घूमते घूमते मुझे ये दिखा, ये परिक्रमा रेस्टोरेंट है जो दिल्ली का बहुत फेमस है और ये घूमता रहता है, ये रेस्टोरेंट रोटेट करता रहता है। तो हमारा प्लान था यहीं पर जाने का पहले, बट मेरा मन किया कि चलो लंच भी नहीं करते हैं तो आज चलते हैं बारबेक्यू नेशन तो अच्छे से खाएंगे, बट जो है कि इतना खाना था कि लंच करने के बाद भी नहीं करने के बाद भी हम सही से नहीं खा पाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट भी हो गया। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर और यहाँ पे पतिदेव जी रुक के फ्रूट्स लेने लगे थे। तो चलो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और व्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।